हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े, दलितों के साथ अत्याचार, प्रेस मीडिया के साथ बदसलूकी, उनका एक आम केस। नगीना लोकसभा क्षेत्र से बसपा सांसद गिरीश चंद्र ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताते हुए कहा कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, गुंडागर्दी अपने चरम पर रही है। संभल के चंदौसी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे नगीना सांसद गिरीश चंद्र ने गाजियाबाद में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार को पीटे जाने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडाराज हमेशा से चरम पर रहा है और जब जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, गुंडागर्दी जमकर हुई है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के आने का भी दावा किया है। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने कहा कि उन्हें लोगों का अपार जन सहयोग मिल रहा है और अगर वह चुनाव में जीत जाते हैं तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराया जाएगा। बीएसपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे सबसे? आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से चंदौसी विधानसभा में हमारे होने वाले भावी विधायक भाई डॉक्टर रणजीत सिंह जी, आज उनके कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और यहाँ पर जो जन सैलाब पूरे क्षेत्र के संभ्रांत लोगों का मुझे देखने मिला, उसने तय कर दिया है कि आने वाले 2022 का चुनाव जो 14 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, निश्चित तौर पे भाई रणजीत जी यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे और निश्चित तौर पे चंदौसी विधानसभा जिस तरीके से मैंने लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम किया है, उससे अच्छी सेवा करने का काम भाई डॉक्टर रणजीत जी। अच्छा, जिस तरह से अभी समाजवादी की सरकार नहीं आई है और वहाँ पे उनकी गुंडागर्दी चालू हो गई कल गाजियाबाद में पत्रकार को पीटा, तो क्या कहेंगे समाजवादी के? ये तो चार बार उनकी थी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, क्या कोई सरकार ऐसी रही जहाँ गुंडाराज नहीं हुआ? जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े, दलितों के साथ अत्याचार, प्रेस मीडिया के साथ बदसलूकी, उनका एक आम केस। अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हम 2007 में भी जब चुनाव लड़ने यहाँ पर आए थे तो लोग यही कहा करते थे कि तुम्हारा चुनाव, या तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा नंबर 3 पे रहती है, या तो भाजपा का क्षेत्र है, भाजपा का गढ़ है, तो निश्चित तौर पर उस गढ़ में छेद लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में भी किया था और निश्चित तौर पे 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतकर अपना परचम लहराने का काम करेगी। भाई रणवीर जी के हाथ में इस क्षेत्र की बागडोर सौंपने का काम यहाँ की जनता करने का काम करेगी। चंदौसी विधानसभा से जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, आखिर क्यों? मीडिया से दूरी शायद वो नहीं बना रहे होंगे लेकिन अपने जनसंपर्क में लगे होंगे, तो जनसंपर्क में व्यक्ति रहता है तो समय नहीं हो पाता होगा, तो निश्चित तौर पर जनसंपर्क में है और आप लोगों के साथ भी उनका एक नगर की जनता का, नगर की जनता का कहना हम जानते नहीं कौन रणजीत है। जब 14 तारीख को वोटिंग पड़ेगी या 11 तारीख को रिजल्ट आएगा तो चंदौसी शहर के लोग जरूर जान जाएंगे रणजीत वही है जो यहाँ से एमएलए बने हैं, और आराम से जान जाएंगे, जान जाएंगे जरूर निश्चित तौर पर शहर के लोग। चंदौसी विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा बहन जी का आशीर्वाद से और हमें माननीय सांसद जी का आशीर्वाद से मुझे यहाँ विधानसभा चंदौसी का प्रत्याशी पार्टी के द्वारा बनाया गया है और मैं निश्चित तौर से यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 19 तारीख को यहाँ कार्यक्रम किया था जिस दिन मेरे टिकट की घोषणा करने माननीय सांसद जी और हमारे लाइन साहब यहाँ पहुँचे थे, सब मीडिया के साथ ही यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उस दिन अनाउंस किया और जब से मैंने जनता के बीच में जाने का काम किया और जनता का आभार वो बहुत भरपूर प्यार और इसने मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 14 तारीख को जनता एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में डालकर अपने यहाँ सेवा करने का मुझे मौका जरूर दे। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके जो जनता के बीच जाएंगे आप? आज के शासन काल में तमाम मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, और चंदौसी के क्षेत्र के आपने विशेष तौर पर सड़कों का हाल देखा होगा कि यहाँ पर जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, लेकिन सड़कों का हाल मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ देखा है, बहुत बुरा हाल है, पानी की व्यवस्था खराब है, नालियों की व्यवस्था खराब है, तो जो सरकार की कार्य होते हैं उसे पूरा कराने का हम सब। जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका जगह जगह विरोध हो रहा है तो उस विषय में आपका क्या कहना है? अब वो विरोध का मामला उनका है, जैसा उनका शासन काल 5 साल का रहा पिछला,
उसका रिजल्ट इस समय उन्हें देखने मिल रहा है और जनता इसका फैसला आने वाली 14 तारीख को करेगी। चंदौली सबसे बड़ी एक समस्या है 36वीं फाटक जो हमेशा बंद रहता है, जिस पर ओवरब्रिज की मांग कई सालों से की जा रही है और अब तक कोई सरकार उसको नहीं करा पाई, तो उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता के तौर पर जो जन समस्या है बहुत बड़ी है चंदौसी की, मैं भी जानता हूँ, जब से मैं आया हूँ कई बार मैं भी वहाँ जाम में फंसा, और अगर मैं यहाँ से सब लोगों के सहयोग से उस कार्य को कराने का प्राथमिकता में रखूँगा और पुरजोर उसका प्रयास करूँगा।